जो सुरक्षा का एहसास दिलाती है, जो हथेली पर रखकर जान हमारी हिफाजत का जिम्मा उठाती है। आज हम उन्हीं के बारे में बात करने जा रहे हैं। जनरल डॉक्टर वीके सिंह गाजियाबाद ही नहीं पूरे देश का वो जाना पहचाना नाम है, जिन्होंने गाजियाबाद को तो विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाया ही बल्कि ऐसी हजारों उपलब्धियां हासिल की जिनका आज हम हमारी इस वीडियो में जिक्र करेंगे। राजनीति में आने से पहले जनरल वीके सिंह सेना में जनरल के पद पर रह चुके हैं। सेना में उनकी शुरुआत 14 जून 1970 को राजपूत रेजिमेंट की सेकेंड बाटलियान से शुरू हुई थी। सेकेंड राजपूत बाटलियान में इंटेलिजेंस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध को काफी करीब से देखा था। इसके बाद उन्होंने सेना में कई जिम्मेदारियां संभाली और ऑपरेशन के गवाह बने। जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने सेना में रहते हुए एक आम सैनिक से लेकर सर्वोच्च पदों पर आसीन जाबाजों की विकट परिस्थितियों में काम करने की क्षमता से देश दुनिया को अवगत कराने का कार्य बखूबी किया। उन्होंने देश के सामने विकट परिस्थितियों में मां भारती की सेवा का कार्य करने वाले सेना के जाबाज सैन्य कर्मियों के वर्षों से लंबित दुख दर्द व समस्याओं को लाकर के उनके निदान के लिए अपने कार्यालय में धरातल पर बहुत सारे सकारात्मक प्रयास किए थे। उन्होंने सेना अध्यक्ष के रूप में जंग लगे दशकों पुराने खस्ता हाल हथियारों के भरोसे संघर्ष कर रही वीर जाबाज भारतीय सेना के आधुनिकीकरण करने पर पूरा जोर दिया था और उसके लिए धरातल पर कारगर कार्य करने का काम भी किया था। जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने सेना में सेवा के उस कालखंड के दौरान सेना के शीर्ष व निचले स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार की आए दिन पोल खोलकर भ्रष्टाचार की गंदगी को साफ करने का कार्य बखूबी से किया था। हालांकि उनके इस साहसिक कदम ने उस वक्त देश दुनिया की मीडिया में बहुत जबरदस्त चर्चा बटोरने का कार्य भी किया था। जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने समय समय पर दुनिया के अलग अलग देशों की युद्धग्रस्त व हिंसाग्रस्त विदेशी भूमि पर भारत सरकार के द्वारा देश के लोगों को वहां से निकालने के लिए चलाए गए बेहद जटिल व चुनौतीपूर्ण राहत अभियानों को अपनी कुशल कारगर रणनीति व नेतृत्व क्षमता के दम पर बेहद विपरीत परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक चलाकर देश दुनिया को यह संदेश देने का कार्य किया कि भारत का एक फौजी जीवन पर्यंत हमेशा फौजी ही रहता है। वे विकट से विकट परिस्थितियों में देश की सेवा करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना तत्पर खड़ा रहता है। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय सेना की रीढ़ माने जाने वाले लाखों पैदल सैनिक के दर्द को समझा, क्योंकि वे बेहद निम्न स्तर की गुणवत्तापूर्ण वाले कपड़ों और घटिया उपकरणों आदि से लैस थे। उनको बेहतर आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित कराने की पहल करने के एक बहुत बड़े असंभव कार्य को दृढ़ संकल्प के दम पर जनरल डॉक्टर वीके सिंह ने संभव करके देश दुनिया को दिखाया था, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा यह महत्वपूर्ण कार्य भी गलत नीतियों, भ्रष्टाचार व लाल फीताशाही के चलते दशकों से फाइलों से बाहर निकल कर धरातल पर मूर्त रूप लेने के लिए तैयार ही नहीं था। 31 मार्च 2010 को वह 24वीं चीफ आर्मी स्टाफ बने। ऐसा करने वाले वह पहले कमांडो थे। सेना में 42 वर्ष तक योगदान देने के बाद डॉक्टर वीके सिंह 31 मई 2012 को वह इस पद से रिटायर हो गए। उनको परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल समेत कई बड़े सम्मान मिल चुके हैं। तो आपको कैसी लगी ये खबर, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए। We have our own core values, we have our own procedures, we have our own traditions. I want to strengthen them, and that is what constitutes the internal health of the army, and this will ensure that we can provide the required dignity to the soldier and we can improve our own image.